मैंने सोशल मीडिया पे बड़ा देखा था इसको और मैंने देखा कि बड़ी कमाल की जगह है, तो मुझे लगा कि मुझे पर्सनली टेस्ट करना आना चाहिए और आज मौका मिला यहाँ पर आकर खाने का। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि कुछ एग फ्राइड राइस और मंचूरियन बन रहा है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, सो आई जस्ट वांट टू ट्राई दैट। स्पेशली अभी यहाँ पर ये स्टॉल पर आए हैं, कैसा मतलब कैसा प्लान किया आप, और साथ में सिद्धिपेट में आपके आपके लिए एक टेंपल भी बनाया गया है और एक बुक भी लिखी गई है, इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? No, first of all, I want to thank everyone in Siddipet. You know, I think बहुत बहुत प्यार मिला और बहुत अच्छा लगता है कि लोग इतना प्यार करते हैं. So I will definitely go and visit Siddipet one day. मैं सब पूरे villages को definitely मिलना चाहूँगा. But I just want to tell कि I'm a very common man. मैं भी उनके जैसा ही हूँ. तो टेम्पल की जरूरत नहीं है, बस प्यार बना के रखे वो इम्पोर्टेंट है. मुंबई में बुक स्टोर आपके ऊपर बुक लिखी गई है, मुंबई में एयरपोर्ट में आपने जो उसके ऊपर बताया या अभी बुक जस्ट रिलीज हुआ है आई एम नो मसाया, और वो सब उन लोगों की कहानी है, यहाँ की कहानी है कि फास्ट फूड सेंटर है यू नो हैदराबाद में, और जो जो लोगों को हम लोग घर भेज पाए या जिन जिन लोगों की इस जर्नी में जुड़ पाए उन सब की कहानी है। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि सब लोग पढ़ें और उनको पता चले कि वो मेरी इस जर्नी में कैसे मेरे साथ ज्वाइन किया लोग। खास करके लॉकडाउन में आपने बहुत सारे लोगों की हेल्प की है आउट ऑफ द लाइन जाकर, सो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे सर, और कितने आपका कैसा स्ट्रेटजी रहा और कैसा रिस्पॉन्स लिया? ये बहुत अच्छा लगा, मुझे लगता है कि मैंने हेल्प नहीं की, मैंने अपनी ड्यूटी निभाई है लोगों तक पहुंचने में, और आज जब इतना सारा प्यार मिलता है लोगों को देखकर अच्छा महसूस होता है, मुझे लगता है कि सारे फैमिली वाले हैं मेरे सब लोग। थैंक यू कुशल कॉज के लिए, बहुत सारा काम किया है कोविड में और कोविड के बाद में भी, और बहुत सारे लोगों को यूथ को आपने मोटिवेट किया है, यू हैव बिकम एन आइकॉन, अ रियल हीरो इन द प्रेजेंस ऑफ पब्लिक एंड यू, सो व्हाट इज द मोटिव सर, इज इट समथिंग गेटिंग इन पॉलिटिक्स और समथिंग, व्हाट इज द पॉजिटिव? देखिए जब किसी चीज के पीछे मोटिव होता है ना तो वो कभी उसमें सक्सेस नहीं मिलता, but when you just want people to love you, so that's a time you are you know your real intention shows, and I think when I meet people like Anil who have done so well in life, aur main yahan par jab aata hu to mujhe lagta hai ki life mein maine kuch acha kiya, meri jab film hit hoti hai mujhe utni khushi nahi hoti, lekin jab main yahan par aisi jagahon par aisa pyar mujhe milta, I think this is the biggest hit and this is the biggest achievement any actor can achieve.